पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। यह हरताली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया विषहरा सामलीबारी दौतली देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरताली का तीज का व्रत कैसा व्रत होता है? जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरताली का तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो, जरा हाथ उठाइए। हरताली का तीज इतने सारे करते हो, अरे बाबा डर लो। प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंधा है, वहां का दर्शन करने। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरताली का हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरताली का तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा